इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, यानी टेंथ और ट्वेल्थ क्लास की कॉपी कैसे चेक होती है। अगर आप टेंथ और ट्वेल्थ क्लास में हो, आपने बोर्ड एग्जाम दिया या फिर देने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। उसमें आपके क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, पहला पॉइंट आपको बताऊँगा कि आप जब सेंटर पर कॉपी राइट करके आते हो, यानी लिख कर आते हो, सेंटर पर जाते हो, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद कॉपी कहाँ गई, कहाँ जाती है, टीचर आपको कॉपी कॉपी कैसे होते हैं, है ना, आपके रिजल्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, यानी कॉपी लिखने से रिजल्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस, कॉपी कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे चेक होती है। और दूसरा पॉइंट बताऊंगा, टीचर चेक योर कॉपी वाय कम लो मार्क, मतलब जो है टीचर आपकी कॉपी चेक करते तो आपको क्यों कम नंबर आते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट बताऊंगा, टीचर वाज सो योर कॉपी, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वो कॉपी में क्या देखते हैं और क्यों आपको, मतलब कॉपी में क्या देखते हैं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं, उनको कैसे पता चलता है, यानी कॉपी चेक करने का उनका नज़रिया क्या होता है ना, कॉपी में वो क्या देखते हैं, ताकि वो आपको उस बिहाफ पे वो आपको नंबर देते हैं। और आपको फोर्थ पॉइंट बताऊँगा, यू राइट आंसर नोट लर्न, आपने अगर आंसर आपको याद नहीं है, आपने फिर भी उस आंसर को लिखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का था कि भाई हमें क्वेश्चन याद नहीं, हमने पेपर बना कर कर दिया, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, वाई राइट आंसर नोट लर्न, मतलब आपने मतलब जो यू राइट आंसर नोट लर्न, आपने आंसर कोई लिख दिया है जो आपको याद नहीं है प्रॉपर, है ना, तो उसके नंबर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने नंबर मिलते फिलहाल, है ना, उसके टीचर यही नंबर देते हैं या नहीं देते। और फिफ्थ पॉइंट है, वाई टीचर गिव यू एक्स्ट्रा मार्क, आपको टीचर जो है एक्स्ट्रा मार्क, यानी कभी कभी आपने देखा हो किसी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए, उसने बहुत कम याद करा था, यानी आपसे भी कम याद करता फिर भी उसके इतने ज़्यादा नंबर आ गए, कैसे आ गए, टीचर ने उसको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे दे दिया, और ज़्यादा नंबर टीचर कब दे देते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और छठा पॉइंट बताऊँगा, लो मार्क व्हाट टू डू, अगर आपके कम नंबर आ जाए, आपको लगता है कि मतलब जो है आपके कम नंबर आ गए हैं, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तो आपको क्या करना है। और सादा पॉइंट बताऊंगा, इंक्रीज मार्क व्हाट टू डू, यानी आपको नंबर बढ़वाने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी अगर आप नंबर बढ़वाना चाहते हो अपनी कोई अपने रिजल्ट का, तो आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको बताऊँगा। और ये बताऊँगा कि आपके अगर कम नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ही देखिए। और दोस्तों यार, वीडियो बनाना बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए जब आप कॉपी राइट करने गए, आपने जाके आप कहीं से भी हो किसी भी जगह से, तो आप जैसे कॉपी राइट करने गए, कॉपी आपने लिख दिया, अब उसके बाद देखिए कॉपी कहाँ कहाँ जाती है, उसके बाद क्या होता है, सभी बच्चों की कॉपी जो है एक साथ लगाई जाती है लाइन वाइज, जिस हिसाब से रोल नंबर होते हैं, और रोल नंबर के हिसाब से लगा कर जो वहाँ से कॉपी जो है आपके मेन सेंटर पर चली जाती है। मेन सेंटर पर जाने के बाद मेन सेंटर डिसाइड करता है कि आपकी कॉपी कहाँ भेजनी है चेक होने के लिए। देखिए आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस राज्य में भी रहते हो, एक राज्य की कॉपी, यानी आप ये कह सकते हो एक सिटी की कॉपी जो है दूसरे सिटी में जाती है चेक होने के लिए, फिर एक राज्य की कॉपी दूसरे राज्य में जाती है चेक होने के लिए, यानी जहाँ पे कॉपी आपने राइट करा है उस उन्हीं जगहों के आसपास आपकी कॉपी चेक नहीं होती, बल्कि किसी और जगह, मतलब काफ़ी दूर चली जाती है, और वहाँ की कॉपी जो दूर की कॉपी होती है वो आपके शहर में आके चेक होती है, और आपके शहर की कॉपी जो है दूसरे शहर में जाके चेक होती है, तो ऐसा प्रोसेस होता है। अब वहाँ पे कॉपी चली जाती है, तो टीचर क्या होता है, टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, और टीचर देखिए जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो टीचर क्या देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट वो देखते हैं कि देखिए टीचर देखते हैं कि बच्चे ने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने देखिए आपने बनाकर भी लिखा है, मान लिया आपने बनाकर भी लिखा है, आपने बनाकर के भी लिखा है, या फिर आपको प्रॉपर याद है, टीचर क्या देखेंगे, फोकस करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, टीचर को आपको इम्प्रेस करना होता है एक टाइप से। मैं बात करूँ कि आपके जो ऊपर के चार पांच लाइन होते हैं उसके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि टीचर इम्प्रेस हो जाए, सामने वाले इम्प्रेस हो जाए, वो देखते हैं कि बच्चे ने उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है या नहीं दिया है। आपने अगर बनाकर भी कराया और आप क्वेश्चन से आपका आंसर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 5 से 6 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपने कोशिश कराया, ट्राई कराया, और आपने उससे मिलता जुलता लिखा है। अगर आपका आंसर उससे ज़रा सा भी मैच नहीं करता और मतलब जो है काफ़ी अलग है, तो आपको नंबर कम मिलने के चांसेस होते हैं, एक दो नंबर मिल जाते हैं, हल्का बहुत मैच करता है। अगर आपका प्रॉपर जो है आपका बोलने का तरीका वही होता है, बस लैंग्वेज चेंज होती हो जाती है थोड़ी बहुत, मतलब काफ़ी ऐसा होता है ना कि लैंग्वेज बहुत हार्ड होने के कारण हम लिख नहीं पाते, तो वो आपको मिल जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और दूसरा पॉइंट की बात करूँ, टीचर के ऊपर आपका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं,
काफ़ी सारे बच्चे सारे क्वेश्चन पहले करते हैं कि जो उनको याद होता है वो क्वेश्चन पहले कर देते हैं और जो नहीं याद होता वो बाद में करते हैं। तो ये टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आपको जो याद है वो पहले आपने करा है। तो टीचर क्या करता है कि स्टार्टिंग से ही ज़्यादा ज़्यादा नंबर देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि आपने पहले वो करा होता है जो आपको अच्छे से पता है। और काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं लाइन वाइज करते हैं, यानी जो आता वो भी और जो नहीं आता वो भी सारे एक में मिला देते हैं। तो टीचर को डाउट होता है, उन्हें लगता है कि ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं है, इसने बना करके कर रहा है ना, तो थोड़े आपके नंबर ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, जैसे टीचर ने आपकी कॉपी चेक कर दिया, टीचर ने आपकी कॉपी चेक कर दी, इसके बाद क्या होता है कि जो दूसरे टीचर होते हैं, दूसरे टीचर आपकी कॉपी जो है कॉपी आप कि देखने कॉपी आते हैं, देखने कॉपी आते हैं मतलब टीचर ने कॉपी चेक करा होता है, और टीचर को कॉपी चेक करने के कॉपी कम से कम 10 से 12 रुपये सभी जगहों पे अलग अलग रेट है, अलग अलग हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब टीचर ने कॉपी चेक कर दिया और चेक करने के बाद जो है दूसरा टीचर, उनसे जो सीनियर होंगे, है ना, वो आते हैं, उसमें से कोई से भी कॉपी निकालते और देखते हैं कि इसमें से कॉपी जो है सही से चेक हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई उसमें मिस्टेक पाई जाती है तो सारी कॉपी जो है दोबारा चेक करी जाती है। अब सारी कॉपी दोबारा चेक करी जाती है, फिर उसके बाद अच्छे से चेकिंग करने के बाद, अच्छे से जाँच पड़ताल करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो कॉपी जो है वो मैन सेंटर पर आती है। मैन सेंटर पर आने के बाद जो है आपके रिजल्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। अब मैं बात करूँ कि आपका अगर कम नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नंबर बढ़ाने के लिए क्या करना है। नंबर बढ़ाने वाला तरीका बिल्कुल अलग है, है ना, आप आसानी से जो अपने रिजल्ट के मार्क्स बढ़वा सकते हो वो कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स आए हैं, आपने पेपर में कुछ ज़्यादा करा था, है ना, मतलब एग्ज़ाम में आप ज़्यादा लिख कर आए थे पर उसके अकॉर्डिंग आपके कम नंबर आए हैं, आपको अच्छे से याद है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आपका रिजल्ट आ जाए, आपको पता चले कि यार मेरे कम नंबर आ गए, मुझे मेरे नंबर जो है 15 आए हैं, मेरे नंबर कम से कम 25-30 आने चाहिए थे, 40-50 आने चाहिए थे, है ना, मतलब मेरी कॉपी जो अच्छे से चेक नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप जहाँ से भी आप एग्ज़ाम देते हो वहाँ के जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो है, यानी बोर्ड के जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, पीएससी बोर्ड, जेएससी बोर्ड, यानी झारखंड का बोर्ड हो गया, ये एमपी का बोर्ड हो गया, सारी जगह की अलग अलग अपनी वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट पे क्या होता है कि रीचेकिंग का फॉर्म आता है, आप अपने कॉलेज में फिर स्कूल में भी पता करोगे तो वो भी बता देंगे आपको। उसमें क्या होता है, अपनी कॉपी जो है दोबारा से रीचेक करवानी पड़ती है, और जो टीचर आपकी कॉपी कई बार होता है गलत चेक हो जाती है, तो कॉपी को रीचेकिंग करवा लेनी होती है, और अगर आपके नंबर बढ़ते हैं उसमें तो फिर जो है आपका रिजल्ट जो है नया बन के आता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर नंबर बढ़वाना है अपना नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, इसका एक एग्ज़ाम होता है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। जब बच्चों का रिजल्ट आ जाता है तो बच्चों को, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे नंबर बहुत कम में आ गए, हमें परेशानी होगी या फिर हमें जो स्टडी करना है उसमें दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता। जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, यानी इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है रिजल्ट में इम्प्रूव करना। उसमें क्या होता है कि आप जो उसमें जैसे एग्ज़ाम होते हैं वैसे एग्ज़ाम होंगे, बस फ़र्क इतना होगा कि अगर आपके उसमें ज़्यादा नंबर आ गए, है ना, उसके बाद जो एग्ज़ाम दोगे, मैं आपको बताता हूँ शुरू से पूरा प्रोसेस। आपको जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर उसका भी रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम होता है, जैसे आपने रियल का एग्ज़ाम दिया होता है वैसे ही सेम उसका वैसे एग्ज़ाम होता है, और उसकी कॉपी चेक कर जाती है, उसमें आपके ज़्यादा नंबर अगर आते हैं तो आपके जो ये वाले नंबर ये हटा करके वो नए ज़्यादा वाले नंबर रख दिए जाते हैं, अगर उसमें कम नंबर आते हैं तो ये वाले ही नंबर आपके दिए जाते हैं। मतलब अगर उसमें आपके ज़्यादा नंबर आ गए तो वो वाला उस वाले नंबर को रिजल्ट पर चढ़ा दिया जाता है, मतलब जिसमें आपके ज़्यादा होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है ज़्यादा नंबर लाने के लिए, है ना, मतलब पेपर से ऐसे ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इजी होता है, मतलब जैसे 12th का होता है 10th का होता है वैसे ही होता है, है ना, इम्प्रूवमेंट का ये मतलब होता है। मतलब जो रिजल्ट आपका, अब मान के चलो कि आपने जैसे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे दिया, है ना, एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद जैसे इसका आपका ओरिजिनल रिजल्ट आता है वैसे ही वो वाला भी रिजल्ट आता है, दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, है ना। तो देखिए, आपको देखिए मतलब आप जो इम्प्रूवमेंट अपने नंबर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आने के 1-2 महीने बाद होता है, मतलब फॉर्म आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं और फिर 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और सो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।